सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 जिसको लेकर ये खबरें हैं कि जो शो है ये ऑफ एयर हो रहा है, इस शो को बंद कर रहे हैं। और रीजन ये बताया जा रहा था कि इस शो की जो टीआरपी है वो काफी कम है, जिसके चलते मेकर्स ने ये फैसला ले लिया है और अब एलिमिनेशन प्रोसेस को जल्दी करना पड़ेगा मेकर्स को, क्योंकि ये जो शो है इस शो को 27 मार्च को इस शो का लास्ट एपिसोड आएगा, ऐसी खबरें थी। आपको ये बता दें कि ये शो ऑफ एयर हो रहा है या फिर नहीं, इस पर खुलासा कर दिया है इंडियन आइडल 12 के जो जज हैं हिमेश रेशमिया, सिंगर और कंपोजर हिमेश रेशमिया जो कि जज हैं, और उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में इस बात का पूरा खुलासा कर दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसकी जगह कौन सा शो आ रहा है, वो है किड्स का सुपर डांस शो, यानी किड्स का डांस रियलिटी शो सुपर डांस, जो कि 8 बजे के टाइम स्लॉट में आएगा और सेम चैनल पर ही आएगा। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि हिमेश रेशमिया जिन्होंने खुलासा कर दिया है कि इस बात पर कि आखिरकार ये शो क्यों, इसका क्यों ये जो खबरें हैं इतनी ज़्यादा फैल रही हैं सोशल मीडिया पर। दरअसल इंडियन आइडल 12 जिसके टाइम स्लॉट को चेंज करके 9:30 बजे का कर दिया है, यानी 27 मार्च से इंडियन आइडल 12 आपको 9:30 बजे दिखेगा, और उससे पहले किड्स का जो डांस रियलिटी शो है सुपर डांसर, जिसे 8 बजे दिखाया जाएगा। जी हाँ, और इंडिया टुडे से बातचीत में ये बड़ा खुलासा किया है हिमेश रेशमिया ने, उन्होंने कहा कि शो ऑफ एयर नहीं हो रहा है, सिर्फ उनके जो मेकर्स हैं उन्होंने फैसला ले लिया है कि चैनल वालों की तरफ से कि चैनल अपने अपने चैनल पे ये जो रियलिटी शो है इसको पहले दिखाए 8 बजे के टाइम स्लॉट में, और हमारा जो सिंगिंग रियलिटी शो है उसे 9:30 बजे के स्लॉट पे दिखा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो अब इसके लिए सिर्फ टाइम चेंज हुआ है, शो ऑफ एयर नहीं हुआ है, इस बात का खुलासा हो चुका है। सो कैसा लग रहा है आपको आपका फेवरेट सिंगिंग रियलिटी शो जो कि अभी चलेगा और अभी खूब आप नई नई आवाज़ों को सुनेंगे, आप नए नए गानों को सुनेंगे, और एक तरह से एक ज़बरदस्त इंडियन आइडल 12 का एक ज़बरदस्त क्रेज़ है जनता के दिल में, और एक नया डांस रियलिटी शो जिसमें आप बच्चों को देखेंगे सुपर डांस करते हुए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट्स के लिए।